राकेश के कत्ल के इल्जाम में संजू को फांसी की सजा दी जाए। राकेश जिंदा है। जिंदा है तो कहाँ है बताइए। परी लेकर आई राकेश को सबके सामने। राकेश के जिंदा होने का परी ने दिया पुख्ता सबूत। कलर्स टीवी शो परिणीति के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा, जैसा कि संजू को कोर्ट में सजा सुनाई जाने वाली थी पर ऐन मौके पर आकर पहुंच गई है परी, और परी कोर्ट में देती है अपना बयान। संजू सबके सामने ये बोलता है कि मेरे जाने के बाद परी का खास ध्यान रखा जाए, लेकिन परी संजू से ये कहती है कि अगर तुम चले गए तो तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। इसके बाद परी ने कोर्ट को दिया है राकेश के जिंदा होने का बड़ा सबूत। परी सबके सामने ये दावा करती है कि राकेश अभी भी जिंदा है और संजू ने उसे नहीं मारा, पर कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद खुद राकेश को ही पेश कर देती है परी सबके सामने। चंद्रिका लेके आती है राकेश को कोर्ट के अंदर। राकेश अपने होशो आवाज में नहीं होता और बेहोश होता है। परी हटाती है राकेश के चेहरे के ऊपर से उसका मास्क, और जब राकेश का चेहरा रिवील हो जाता है तो सबको ही राकेश को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और संजू बेकसूर साबित हो जाता है। तो क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।